नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यान की नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमारे यहाँ हो रही है सुबह से बारिश, लाइट कट गई थी तो मैं यहाँ पे आके लेट गई थी। पंखा देखिए चल रहा है और बारिश हो रही थी बहुत तेज़। पहले तो हवा चली है, उसके बाद अब थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, झिरझिरी वाली बारिश हो रही है। मतलब आपको दिखेगी नहीं लेकिन हो रही है बारिश, बूंद पड़ रहे हैं, बहुत ही मतलब ओस वाली बारिश हो रही है और बहुत ही ठंडक है आज बहुत ज़्यादा। मैंने तो ओढ़ रखा था सोते समय, चलिए तो और बहुत आलस में डरी रही हूँ। और 7 बज गए हैं, अब जाके घर के काम करने हैं, कुछ भी काम हुआ नहीं है, सारा काम करते हैं। आस्था भी आज स्कूल नहीं जा रही, वो भी अंदर सोई हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए नहाना धोना सब हो गया था, खाना पीना हो गया है और उसके बाद यहाँ पे एक बार और झाड़ू लग रही है दोबारा। मतलब सुबह झाड़ू लग गई थी, अब दोबारा झाड़ू लग रही है। तो आप सभी कहते हैं, कमेंट करते हैं कि ये आपकी अलमारी जो है साफ़ कर लो, और साफ़ तो कर दिया जाता है लेकिन क्या ही बताया जाए, बार बार सामान फिर से, या तो आस्था सामान धर देती है या फिर आस्था के पापा कुछ रख देते हैं, कभी मैं ही रख देती हूँ, भूल जाती हूँ तो ऐसे ऐसे करते करते सामान रख जाता है और वो अलमारी पूरी भर जाती है। तो चलिए आज इसे साफ़ कर देते हैं। आप सभी का कमेंट आ रहा था, अच्छा लग रहा था कि चलो हाँ भाई साफ़ कर दें, ये कमेंट बढ़िया था। तो वही है, यहाँ से बाकी सारा सामान मैंने हटा दिया है, सिर्फ आस्था का गुड्डा रखा है, वो अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे और हवा भी आती रहेगी, तो इसके लिए आस्था का गुड्डा मैंने वहाँ पे रख के छोड़ दिया है। और जितने भी फालतू सामान थे सबको हटा दे रही हूँ। और चारों तरफ अभी देखिए सारे में कचरा फैला है, आस्था झाड़ू लगा रही है और मैं यहाँ पे इस अलमारी को सजाने में लगी हुई हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अलमारी पूरी साफ़ कर दी है और मैं सोच रही थी यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ रखूँ जो कि अच्छी लगे, तो फिर ये डलैया अंदर से ला के रख दिया है और कपड़े जो रखे हैं उधर जो इसमें से निकले हैं वो सभी तह लगा के इस डोलची में रख के जब जाके खिड़की पे रख दूँगी तो सही रहेगा। तो बस वो सारे कपड़े मैंने वो खटोली पे डाल दिए हैं, मैं तह लगाने में लगी हुई हूँ और आस्था भी झाड़ू लगा रही है। लेकिन आस्था झाड़ू बहुत धीरे धीरे लगाती है, लेकिन सफाई से लगाती है, तो मैंने छोड़ दिया कि तुम झाड़ू लगा लो और मैं यहाँ पे ये सारे कपड़े तह लगा के यहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल साफ़ कर दूँ। नहीं भागने का लगा ना, कुछ ना पता लो, ये रहो पहले, लो ये रहो, उल्टा ना डालना। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा भी आ गए थे और मुझे यहाँ पे लगवाना था ये पर्दा, ताकि किचन वाली जगह इस तरफ हमें दिखे ना, तो यहाँ पे बीच में ऐसे पर्दा डाल देंगे तो मतलब अलग अलग कमरा सा हो जाएगा। अब लगा के देखते हैं कैसा लगता है, अगर अच्छा लगेगा तो इसे कंटिन्यू रखेंगे, नहीं लगेगा तो पर्दा फिर हटा देंगे। तो लेकिन ये है कि अगर कोई आ भी गया तो पर्दे के उस तरफ का तो नहीं दिखेगा, जैसे कि किचन का जो भी किचन के बर्तन है चाहे कुछ भी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे पर्दा लगवा दिया है
आस्था के पापा ने लगा दिया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरीके से पर्दा लगा दिया है, दीवार नहीं उठाया था क्योंकि दीवार उठाने से जगह कम हो जाती है। और इस और यहाँ पे ऐसे सामान सारा लगा के हमने रख दिया है, मतलब कि अब कोई भी आएगा जाएगा तो कम से कम उसे किचन का कुछ चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। और इस खटोली को हमेशा हमेशा यहाँ पे ही लगा के रखा करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का लुक आ रहा है, ये देखिए बस उतना उधर खुला है तो वो उतना खुला ही रहेगा, सही है। तो अब दोस्तों वो जो खटोली वहाँ रखी है इसको यहाँ पे बिछा देते हैं यहीं पे, क्योंकि वो खटोली बिछी रहती है तो मसाला पीसना था इसलिए वहाँ रख दिया था, तो अब वापस यहीं रख दे रहे हैं। और भी अच्छा लुक कर दे रहे हैं, आप सिर्फ देखते जाइए, ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं और आस्था इसके ऊपर बिछा दे रहे हैं बेडशीट, लगा देंगे तकिया, क्योंकि अंदर वाला जो कमरा होता है दोस्तों वो बहुत अंधेरा रहता है, इन दिनों लाइट रहती नहीं है जिसकी वजह से अंदर जाने का तो बिल्कुल ही मन तक नहीं करता, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता वो अंदर वाले कमरे में जाने का, अंधेरा क्योंकि रहता है उसमें बहुत ज़्यादा। और दोस्तों उसके बाद फिर देखे यहाँ पे चूड़ी वाली आंटी आई थी, इन्हें बुलवाया था, ये उधर थी अम्मा जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे, तो फिर मैंने इन्हें फ़ोन करके बुलवाया है कि ये इधर आ जाए, मुझे भी क्योंकि सामान लेने थे, सारे सामान मेरे ख़त्म हो गए हैं और इन दिनों सावन में हरी चूड़ी पहनी जाती है, तो वही मैंने सोचा कि चलो मैं भी ले लेती हूँ और पहन लूँगी, अच्छा लगेगा। तो वैसे दोस्तों ये आंटी डेली रोज़ जो हम यूज करते हैं बिंदी वगैरह चूड़ी उड़ी तो ये सब लेके आई थी, तो ले लेंगे इसी में से काफ़ी सामान और ताकि रोज़ डेली के लिए हो जाए। और यहाँ पे अब हो गया है शाम और हमारे यहाँ दोस्तों अभी भी बारिश हो रही है, तो ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए, उससे पहले मैं खाना बना के जल्दी जल्दी रख लूँ या फिर खिला भी दूँ, क्योंकि आज बन रहे हैं, आज मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लेते हैं, तो जल्दी जल्दी बनाया तो आधा वीडियो शूट ही नहीं किया है। यहाँ पे आलू उबल गए हैं, चटनी वगैरह भी पीस लिया है, मसाला बना लिया है आलू का, और उसके बाद अब यहाँ पे आस्था के पापा भी आ गए हैं, तो इन्हें भी डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए, क्योंकि जब हम गाँव में क्या होता है कि लाइट जलाएँगे अगर बल्ब टॉर्च वगैरह तो वहीं पे सारी जगह क्योंकि अंधेरा है और जहाँ पे रोशनी दिखेगी वहीं पे कीड़े मकोड़े सारे आन लग जाते हैं, हर प्रकार के छोटे छोटे से कीड़े आन लग जाते हैं और खाना खाने में फिर दिक्कत होता है, या तो फिर बंद कमरे में खाओ तुम खाना। और रोशनी है तो जहाँ जहाँ बल्ब जल रहे हैं वहाँ वहाँ हर जगह मतलब थोड़े थोड़े से कीड़े दिखेंगे, तो लेकिन अभी इतनी अंधेरा भी नहीं हो पाया था, बस ये कि बारिश होने लगी थी तो एकदम से मौसम ढल गया और लग रहा था कि रात हो गई। तो यहाँ पे आलू मैंने उबाल के रख दिए थे, आस्था के पापा और आस्था दोनों ही छील रहे हैं, और मसाला साला मैंने सब तैयार कर लिया है, तो जल्दी जल्दी बना के खिला देती हूँ इन्हें और ऐसा ना हो कि लाइट। तो यहाँ पे आस्था के पापा भी मेरी हेल्प कराने लगे थे, आलू वगैरह छील दिया था उन्होंने और आस्था भी बैठी, आस्था तो इसलिए जल्दी जल्दी करा रही है क्योंकि आज आलू के पराठे बन रहे हैं बहुत दिनों बाद, तो वो थोड़ा सा खाने की उत्सुक। लेकिन दोस्तों अभी ना थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, थोड़ा सा ही कीड़ा का मौसम चला जाए तो बल्ब एक यहाँ इस तरफ लगाएंगे ताकि रोशनी होए किचन में अच्छी तरीके से, अभी तो इसलिए बल्ब वहाँ दूर लगा के रखा है
कि हम लोग इधर कुछ बनाए ना है तो छोटे कीड़े वगैरह ना आए, इसलिए दूर ही लगा है और जिसके कारण रोशनी भी इधर नहीं हो। और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ पराठे, प्लेट देखी लगा दिया है, मैं बनाती जाऊँगी और दोनों ही जने गरम गरम खाते जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आज का शाम का खाना पीना हुआ है और सारे काम भी हो ही गए हैं लगभग। बस पराठे बना के मैं इनको खिला दूं और उसके बाद मैं भी खा लूँगी। हमें ऐसा लग रहा था कि लाइट चली जाएगी लेकिन लाइट नहीं गई, तो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ। तो दोस्तों कोशिश करूँगी कि ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग लेके आती रहूँ आप सभी के लिए, ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी मतलब अपना काम पूरा कर सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अब होने लगी है सफाई, खाना पीना सबने हो गया है, खा पी लिया है, रख देते हैं बर्तन वगैरह। और आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप चाहें तो ब्लॉग के लिए आइडिया मुझे दे सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर ब्लॉग बनाऊँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।